आज हमारी तरफ सुबह से बारिश हो रही है और कॉम्प्लीमेंट्री तूफान भी आ रखा था। नहीं नहीं, ये वाला तूफान तो परमानेंट है। इन तूफानों को छोड़ो, यहाँ मेरे कमरे में अलग ही तूफान आ रखा होता है। खूब कोशिश करता हूँ अपने कमरे को साफ रखने की, मगर क्या करूँ, मेरे दिल पे जो गया है। हाँ, अब शायद ठीक है। कमरा साफ करने की चुनौती में मैं अपनी इस सिर्फ दिखने में प्यारी बहन से सहायता मांगता हूँ, मगर ये मेरे मुंह पर मना कर देती है। कोई बात नहीं, मैं इस काम में अकेला ही काफी हूँ। अब मैं तो पूरे बेमन के साथ अपने इस काम को कर रहा होता हूँ, मगर तभी फरिश्ता बनकर प्रकट होते हैं ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदा। आज पहली बार भरोसा करके मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य में इनको अपने साथ लगा लेता हूँ, और इन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, पूरी पेट्रोल फेर दी। एक ही पैंट के लिए दोनों लड़ रहे हैं। अलमारी तो साफ हो जाती है और बाकी अपने छोटे कपड़े इन्हें दे देता हूँ, जो कि इनके फिक्स आ रहे थे। फिर फटाफट से रूम की सफाई करता हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करता हूँ, और बिना तकिए के कैसे होगा। आज मैं इनके बीच एक ज्ञान की बात करूंगा, क्योंकि मौसम एकदम मजेदार हो रहा होता है। तो चलिए पहले एक तरफा आकर माहौल बनाते हैं। मैं इनको बड़े प्यार से एक चीज समझाता हूँ कि इंसान को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बात इनको इतनी अच्छी लगी कि ये मुझे थैंक यू बोल देते हैं। कल एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट। इतनी फ्रस्ट्रेशन किस बात की।